अयोध्या के महंत राजू दास ने अल्लाह के लिए किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, अजान को लेकर भी दिया विवादित बयान। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुसलमानों का और इस्लाम का विरोध इस्लामोफोबिया के तहत भारत में, हिंदुस्तान में अब चरम पर है। देखिए अयोध्या के महंत राजू दास, वह हरदोई में बेनीगंज इलाके में गत 27 अक्टूबर को रामलीला के कार्यक्रम में गए थे और उस कार्यक्रम में उनका भाषण हुआ। उस भाषण को पूरा नहीं बताया गया और उसमें उन्होंने अल्लाह को लेकर के जो गुस्ताखी की है, जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, अजान को लेकर के जो विवादित बयान दिया है, वो हम आपको सुना रहे हैं, माफ़ी के साथ सुना रहे हैं। और इसके तहत के कि इसको बढ़ावा नहीं देना है, मगर किस तरह से इस्लामोफोबियों के तहत अब अल्लाह की शान में गुस्ताखी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, राइट विंगर्स, भाजपा समर्थक लोग और ऐसे तमाम कट्टरवादी हिंदुत्ववादी संगठन खुलेआम लगातार कर रहे, ये एक उसका उदाहरण है। कितनी एफआईआर हम करवाएंगे और वो जमानती धाराओं में दर्ज हो करके इस तरह के राजू दास, यति नरसिंहानंद, रामगिरी जो है वो आज़ाद रहेंगे सरकारी सुरक्षा पर, और ये सिलसिला अब आगे भी बढ़ेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सोचना मुसलमानों को है। परमात्मा ना करे कभी कोई सुअर का बच्चा आए बोले कि माइक बंद कर दो। अब इतनी आपकी जनसंख्या है, आपका उत्सव चल रहा है, तो आप कैसे माइक बंद कर लोगे क्या? हम तो किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पर तो 5 बार माइक लाउड स्पीकर लगाकर बोलते हो अल्लाह सिर्फ महान है, सुअर सिर्फ महान है, बाकी सब बेमान है, बाकी सब बेकार है, बाकी कोई पूजा का योग नहीं है। हमें अब जैसे मैं कहूं आपको बुरा लगेगा कि नहीं? जैसे मैं कहूं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, बाकी जितने लोग बैठे सब चोर हो, किसको अच्छा लगेगा? किसी को नहीं ना अच्छा लगेगा। हम बाबा है भले, हम साधु है भले, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वाले की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जन्मभूमि की। ऐसा और तेज तक आवाज आए ना, बोलो श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पूरा काशी की, भारत माता की। We'll be right back.